हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर का ए फॉर्म होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो दिया जाता है मॉड ऑफ जेड इस तरह से, इक्वलन टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 प्लस 3i, इसका मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3i। तो क्या हो गया, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे तो अंडर रूट क्या हो गया, 2 ए स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 13। ये हो गया आपका मॉड्यूलस। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि 3 माइनस 4i, ठीक है, तो 3 माइनस 4i का क्या हो गया, अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस माइनस 4 के होल स्क्वायर। माइनस 4 इसको किस फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या हो गया, 3 प्लस माइनस 4 इंटू आई। तो यहाँ पर a कितना हो गया 3, b कितना हो गया माइनस 4, तो बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिर्फ है 4i, अगर इसका मॉड्यूलस निकालना है तो क्या हो गया, अंडर रूट 4 के सिर्फ स्क्वायर बराबर 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर सिर्फ मान लीजिए कि यह है 2 है, सिर्फ रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कितना हो गया, अंडर रूट 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर, बी तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इसमें ए जीरो था, ठीक है, और यहाँ पर b जीरो है, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये सिर्फ हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से है, जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई 2i, तो इसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9 बाई 4 इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 बाई 2 हो गया। 4 एलसीएम तो 16 प्लस 9 अंडर रूट, यहाँ पर ले सकते हैं 4 एलसीएम तो हो गया 16 प्लस 9 तो हो गया अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 बाई 2 हो गया ये। तो इस तरह से इसका निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जेड इक्वल टू है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, अब इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो अगर इस तरह का मॉड्यूलस निकालना है तो सबसे पहले हमको इसको किसी में फॉर्म करना पड़ेगा, a प्लस आई बी इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, ऊपर में कितना हो गया, 1 प्लस आई के होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i हो गया डिवाइडेड बाई 1 के स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, बराबर कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, 1 प्लस ए ब्रैकेट टूटेगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया i हो गया ये। ठीक है, तो इतना बराबर i। अब जैसे मोड ऑफ जेड निकालेंगे, मोड ऑफ जेड बराबर i का मोड a हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 1 के स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इस तरह से हम जैसे कि मॉड्यूलस निकाल सकते हैं अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में इस तरह से दिया हुआ हो तो।